खोले शाहिद कपूर जो रहते हैं यहाँ वहाँ देखो जाने लगी बेखुदी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। अभी मैं पहुँचा हूँ राजस्थान के मंडावा गांव में, और ये जो मंडावा गांव है ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यहाँ से जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो गांव है ये हवेलियों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अभी देखो मैं जहाँ पे आया हूँ ये मुरमुरिया हवेली है, देखो मेरे पीछे यहाँ देखा हुआ है मुरमुरिया हवेली, और एक उधर वहाँ पर है विश्वनाथ गोयनका हवेली। यानी तीन हवेली हैं यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर हवेली हैं। अभी इन हवेलियों को हम घूमने वाले हैं। 2007 के अंदर एक फिल्म आई थी जब भी मेट, जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर मेन लीड में थे। तो दिखाते हैं अभी आपको हवेली, और उसके बाद चलेंगे वहाँ पे जहाँ जब भी मेट की शूटिंग हुई थी। और इस जगह का नाम है श्री रामेश्वर रामगढ़िया मार्ग, यहाँ पर लिखा हुआ ये है मुरमुरिया हवेली। एक गोयनका हवेली ये है और विश्वनाथ गोयनका हवेली। तो अभी घूमने वाले हैं इन हवेलियों के अंदर, अंदर से दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत हवेली है। हाँ वो थोड़ी डरावनी टाइप की लग भी रही है, तो काफ़ी पुरानी हो गई ना। अच्छा ये यहाँ पे ये सर क्यों लगाया गया है? अच्छा मतलब जैसे इसको बोलते हैं भूतिया हवेली, उसी तरह का इसको बनाया भी गया है। देखो काफ़ी दिनों से शायद खुली भी नहीं है, सफाई वफाई नहीं, पूरा जाला लगा हुआ है। ये उस तरह से बोलेगा क्या जैसे फिल्मों के अंदर बोलता है चर करके? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। ये यार ओ है यार, भूतों जैसी हवेली देख रही है।
भाई बहुत से लोग कमेंट आते थे ना कि नगीना निगाह मूवी वाला खंडर दिखाओ, ले भैया मिल गई उसी जैसा तो खंडर दिख रहा है। दोस्तों अभी तक हम दो हवेली देख चुके हैं और अभी हम तीसरी हवेली में जा रहे हैं जो मुरमुरिया हवेली है, ये इसका मेन गेट है। अच्छा ये मतलब विदेशी स्टाइल में हवेली, क्योंकि देख लो आपके सामने यहाँ पे सामने कुछ पेंटिंग ने वो वहाँ की इटली की। तो ये अच्छा। तो सब हाँ ये तो अपने है, भारत के देव देवताओं के चित्र बने हुए हैं। वैसे एक चीज़ है ना, वो हवेली जो आपने दिखाई थी उनसे कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन नाम इसका ज़्यादा है। हाँ नाम तो है ही, नाम इसका चलेंगे के अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, बस यहाँ नहीं, ये हवेली क्या, ये भी फेमस है, वो भी फेमस है, बस इतना फर्क है कि वो थोड़ी बड़ी है, ये छोटी। इसके ऊपर चले छत पे एक बार देखो, काफ़ी दिनों बाद खुला है, पूरा जाला लगा हुआ है, एक बार ऊपर से देख लें इसको। और ये कितनी भी हवेलियों में जो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है ना, ये और तो वही होती है, चलो बाहर से देख लेंगे। अच्छा दोस्तों आप लोग मंडावा की हवेलियों को देख चुके हैं और अभी मैं मंडावा मार्केट की तरफ आ गया हूँ, पीछे इधर इस साइड मार्केट है। तो अभी हम उस लोकेशन पर पहुँचे हैं जहाँ पे जब भी मेट फिल्म की शूटिंग हुई थी, जब शाहिद कपूर और करीना कपूर यानी मंडावा में एंट्री लेते हैं। तो पीछे मेरे अगर आप देख पा रहे हमें, ये गेट है, इस गेट के सीन लिए गए हैं फिल्म के अंदर, तो दिखाते हैं। और इस गेट से निकलते हुए फिर वो आगे की तरफ जाते हैं जो मंडावा का किला है वहाँ पर, तो कुछ सीन फिर वहाँ के लिए गए। एक सीन यहाँ से लिया गया है जब शाहिद कपूर और करीना कपूर इस गेट से जाते हैं निकलते हुए इस तरह, तो इस प्रकार से ये गेट दिखाया जाता है। और ये वाली बिल्डिंग की खिड़कियाँ दिख रही थी, उनका कैमरा कुछ इस प्रकार से एंगल हुआ था शायद। ये वाला गेट है ना, ये गेट भी थोड़ा सा दिख रहा था, अभी इस पर कलर कर दिया है। इस प्रकार से एक सीन लिया जाता है और फिर वो आगे की तरफ जाते हैं किले की तरफ निकलते हुए। तो ये जो गेट है, इस गेट का नाम है सोनथलिया गेट, एक बार दिखाते हैं पास चल के। काफ़ी पुराना गेट है यार, ऊपर देखो श्री कृष्ण की शायद प्रतिमा लगी हुई है, नज़दीक से दिखाता हूँ आपको चलकर। ये देखो वहाँ पे लिखा हुआ है सोनथलिया गेट और यहाँ पे दरवाज़ा लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है मंडावा दरवाज़ा। और इस साइड में आगे मार्केट है। और फिर फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया जाता है जिसमें उनका जो रिक्शा रहता है वो यहाँ से निकलते हुए जाता है। इस गेट की डिज़ाइन को इसी प्रकार से दिखाया गया है। वो जो लाइट लगी हुई है ना, ये वाली देखो, ये बड़ी वाली जो लाइट लगी है ये आज भी यहीं पे लगी हुई है। और ये डिज़ाइन जो वाइट वाइट कलर की है इसको आप देख सकते हैं। इधर से निकलते हुए और फिर आगे की तरफ चले जाते हैं यानी फोर्ट की तरफ, आगे किला है, तो किले के भी कुछ सीन हैं फिल्म के अंदर, उधर भी चलेंगे, वो किला भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है जो ये वाला रास्ता है किले की तरफ गया है। और किले का जो मुख्य द्वार है वो सामने आपको दिख रहा होगा, यही है। चलते हैं एक बार आगे किले की तरफ। और जो सीन यहाँ से लिए गए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि किले पे ऊपर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि अभी ये किला जो है एक होटल में तब्दील हो गया है।
तो वैसे तो आप लोग जा सकते हैं, पर अभी कोविड पीरियड की वजह से आप लोग मतलब अभी कहीं पे मतलब किले इले में ऐसे घूमना अलाउड नहीं है, क्योंकि होटल वोटल है ना, रेस्टोरेंट वगैरह ये फिर बंद हैं। फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे उनका रिक्शा जो होता है वो निकल के जा रहा होता है, यहाँ पे आज़ाद बैंड की गाड़ी खड़ी रहती है। और इस जगह पे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का ATM का वो बोर्ड लगा हुआ होता है, और यहाँ पे लिखा होता है मंडावा आर्ट स्कूल, लेकिन यहाँ आज भी लिखा हुआ है मंडावा आर्ट स्कूल। हालांकि इसका ये जो बोर्ड है ना, ये चेंज हो गया है, पहले दूसरे टाइप का था, अभी दूसरे टाइप का है। तो सीन वो यहीं से लिया गया है। देखो सामने वाला ये जो गेट है ना, ये गेट आपको दिख रहा होगा आज भी वैसे के वैसे ही है। और फोर्ट का जो गेट है, इसकी डिज़ाइन को आप देख सकते हैं। एक बार फोर्ट की तरफ चलते हैं आगे। ये इसका मेन गेट है, और ये यहाँ पे कुछ किले के बारे में लिखा हुआ है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक बार थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं, हालांकि ऊपर जाना अलाउड नहीं है, यहाँ से आप पूछ लिया था अभी हमने, तो यहाँ से आप वीडियो बना सकते हैं, पर इससे ज़्यादा ऊपर जाना अलाउड नहीं है। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किला है, हालांकि किला क्या है, अब तो ये एक होटल में तब्दील है। इधर से देखें दोस्तों, जैसे अभी हम किले के अंदर आए, तो जब भी मेट जो फिल्म है उसका एक सीन यहाँ पे लिया गया है, इस पे जहाँ पे जो शाहिद कपूर और करीना कपूर रहते हैं, वो यहाँ पे खड़े रह के बर्फ़ का गोला खाते हैं। यहाँ पे एक रेडी को लगाया गया था ठेले को, इस प्रकार से है वो सीन, ऐसे करके, जिसमें ये वाला जो किले का ये घुमावदार है ना, ये भी दिख रहा है, और पीछे का ये ऐसे ही है। दोस्तों एक सीन यहाँ पे लेने के बाद, और फिर जो शाहिद कपूर और करीना कपूर रहती हैं, इस फोर्ट के अंदर चले जाते हैं, इस किले के अंदर, तो एक सीन कुछ यहाँ से लिया गया है, इस प्रकार से, जिसमें यहाँ पे कुछ ठेली एली खड़ी रहती हैं, और इधर से वो निकल के अंदर जाते हैं। सामने वाला फ्रंट का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। दोस्तों जब भी मेट फिल्म का जो गाना है, उसकी शूटिंग जो है वो मंडावा के अंदर हुई है, और एक सीन उसका ये जो सामने हवेली है ना, यहाँ से लिया गया है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये जो हवेली है ये फतेहपुर शेखावटी के अंदर है। दोस्तों जब भी मेट फिल्म के जो गाने का एक सीन यहाँ से लिया गया है, जिसमें शाहिद कपूर जो रहते हैं वहाँ पर एक फूल बेचने वाला खड़ा होता है, उसकी साइकिल को ले कर मतलब इधर भागते हैं, तो जिसमें इस हवेली को पूरी तरह से दिखाया गया है। और ये वाली जो हवेली है, इसकी सीढ़ियों को इस तरह से दिखाया गया है। ये वाली जो हवेली है सामने वाली, ये भर्तियों की हवेली है। और यहाँ से जहाँ से मैं मतलब इस सीन को ले रहा था, इसके सामने ही देखो ये एक और हवेली बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत हवेली है। दोस्तों जब भी मेट फिल्म के जो गाने की शूटिंग थी, वो आप लोग इस वीडियो के अंदर देख चुके हैं, और इस वीडियो को हमने दो दिन में शूट किया है। कल हमने मंडावा की शूटिंग दिखाई थी, और आज एक सीन हमारा रह गया था, यानी जो फतेहपुर शेखावटी के अंदर लिया गया था। तो कल जब हम आए थे शाम को, मतलब आ तो वैसे हम जल्दी गए थे, लेकिन बारिश की वजह से ना पूरा इसके जो रोड है ना, वहाँ पर पूरा पानी भर गया था, निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पानी तो आज भी भरा हुआ है, लेकिन जैसे तैसे हम गलियों से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।